हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मुगल डायनेस्टी, जिसका रूलिंग पीरियड 1526 एडी से लेकर 1707 एडी तक ये मुगल डायनेस्टी पूरा चलता है। ठीक है, ये मुगल डायनेस्टी जो है इसका पहला रूलर फाउंडर कौन है, मुगल डायनेस्टी को इंडिया में कौन फाउंड करता है, तो बाबर करता है, जिसका रूलिंग पीरियड 1526 एडी से 1530 एडी तक चलेगा। इस मुगल डायनेस्टी को हम लोग तिमूर डायनेस्टी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको तिमूर डायनेस्टी भी बोल देते हैं, बोलते ही हैं इसको। ठीक है, तो मुगल डायनेस्टी को हम लोग तिमूर डायनेस्टी भी बोलते हैं। और ये जो है एक्चुअली में आप देखिएगा क्यों बोलते हैं तिमूर, आगे लिंक करूंगा मैं आपको। अब देखिए मुगल डायनेस्टी जो आपका ये एक्चुअली जो है चगताई तुर्क से है। ठीक है, कौन सा तुर्क है, लोग कितने इसमें जितने मुगल डायनेस्टी में जो रूलर रहे हैं वो सब तुर्की से रहे हैं। तो तुर्क जो रहे हैं तो इसमें जो आपका चगताई तुर्क है, तुर्क में भी बहुत सा क्लैन था। ठीक है, 62-63 क्लैन, तो कौन से तुर्क से थे, कौन से क्लैन से थे ये, तो चगताई। ठीक है, तो चगताई तुर्क आपको याद रखना है, ये सब सब बेसिक पॉइंट है, सब एग्जाम में पूछा हुआ पॉइंट है। अब देखिये ये जो बाबर है इसका जन्म जो होता है 14 फरवरी 1483 में फरगना में होता है, जो कि उज्बेकिस्तान में है, वो फरगना वहां पे होता है इसका जन्म। ठीक है, तो एक्चुअली जब इसका जन्म होता है तो इसका पूरा नाम क्या है, जहरुद्दीन मोहम्मद था, नाम बाबर नहीं था, बाबर ये बाद में नाम लेता है, बताएंगे हम आपको कब नाम देता है ये। एक्चुअली जहरुद्दीन मोहम्मद इसका नाम था, लोगों को प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत होता था, जिसकी वजह से लोग इसको बाबर भी बोलने लग गए, ये बाबर अपना नाम फिर बाद में रख दिया था। तो एक्चुअली ये जहरुद्दीन मोहम्मद था। अब ये इसका जो पिता का नाम है, फादर का नाम है बाबर का, उमर से एक मिर्जा टू है। ठीक है, जो कि तिमूर जो है, तिमूर और चंगेज आपको जो बताए थे हम मुगल्स, आपको याद आ रहा होगा, दिल्ली सल्तनत पर आए थे, तो उसमें क्या था, वहां पे हम आपको जिक्र किए थे, तो उसमें उसका जो पचमा तिमूर का जो वंशज ऐसे तिमूर के बाद जो आया, फिर आया, फिर आया, तो जो पचमा आया वही है बाबर। तो तिमूर के साइड से ही पचमा वंशज था, तो उमर शेख मिर्जा किधर से थे, तिमूर के ही, जैसे तिमूर के बाद जो आया उनका वंश, फिर जो वंश, तो इस तरह से बाबर क्या था, तिमूर का पचमा था। और कुतलुग निगार खान जो खानुम जो थी वो चंगेज खान के तरफ से 14वां, तो बाबर जब चंगेज खान की तरफ से कितना नंबर पे आया, चंगेज खान, उसके बाद फिर कोई आया होगा उसका वंश, फिर कोई वंश, ऐसे करते 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 कुतुब निगार खानुम आई, उसके बाद ये बाबर आया। तो बाबर जो है चंगेज खान से अगर काउंट कीजिएगा तो 14वां नंबर पे आता। तो एक्चुअली ये जो है, तो इसका माता का नाम क्या है, कुतलुग निगार खानन, और पापा का नाम इनका क्या है, पिता का नाम क्या हो गया, उमर शेख मिर्जा टू। एक्चुअली जो उमर शेख मिर्जा टू जो थे उनके ही एक स्पिरिचुअल मास्टर थे, जिनका जो सूफी सेंट थे, ठीक है, अरहर करके उनका नाम था, तो जहरुद्दीन मोहम्मद नाम उन्हीं ने दिया था उनको। ठीक है, तो बाद में वो प्रोनाउंसिएशन की वजह से दिक्कत हुआ, तो खैर वो उतना कहानी आपको याद नहीं रखना, बाबर बस सिंपल है कि बाबर का नाम क्या है, पूरा जहरुद्दीन मोहम्मद, बाद में इसने अपना नाम जोड़ा तो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर हो गया। 14 फरवरी 1483 फरगना में उनका जन्म होता है, जो कि उज्बेकिस्तान में है, चगताई तुर्क याद रखना है, और मुगल डायनेस्टी को तिमूर डायनेस्टी भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से बाबर जो है फाउंड करता है मुगल एम्पायर को इंडिया में, कब करेगा, तो ये युद्ध के बाद करता है, फर्स्ट बैटल जो होता है 20 अप्रैल 1526 एडी में पानीपत का, उसी इसके जीतने के बाद इसने क्या करता है, मुगल एम्पायर को फाउंडेड करता है इंडिया में 27 अप्रैल 1526 को, और अपना कैपिटल आगरा रखता है। ठीक है, तो मुगल एम्पायर का फाउंडर जो है इंडिया में कौन है, तो बाबर है आपका। ठीक है, अब ये जो है रूलर जो होता है, कहाँ का रूलर होता है, एक्चुअली ये फरगना का रूलर बनता है, 11 साल का ही उम्र में ये फरगना का रूलर बनता है, क्योंकि इसका फादर का डेथ हो जाता है, इसके वजह से इनको इसको खुद को रूलर बनना पड़ता है, खुद को डिक्लेयर करता है राजा। ठीक है, एक्चुअली अब ये क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो होता है इसके पास बहुत पेशेंस और रिजोल्यूशन, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा धैर्य और संकल्प था वाला राजा, अगर जिसको माना जाता है मुगल में पूरा, तो ये बाबर ही है, क्योंकि ये इसके पास पूरा सिचुएशन और कंडीशन एकदम इसके खिलाफ था, फिर भी ये अपने आपको खड़ा किया। तो अगर बोलता है कि कौन ऐसा है मुगल डायनेस्टी में रूलर कि जिसको आप कह सकते हैं पेशेंस और रिजोल्यूशन से भरा है, तो ये बाबर ही है। ठीक है, बाबर को ही माना जाता है। ठीक, अब देखिए ये बैटल फिर एक लड़ता है, एक्चुअली यहाँ होने के बाद ये सारा कहानी आपको समझ में आया होगा, उसके बाद देखिए बैटल फिर बाबर का एक बैटल होता है, जो कि सरेपुर जैसे, अब क्या होता है कि जब 11 साल की उम्र में ये बनता है तो बहुत सा लोग इनका फायदा उठाना चाहेंगे, ऑब्वियसली बात है, तो बहुत सा तो वो वहां से भागता है, फरगना में रूलर बनता है, लेकिन वहां से फिर वो भाग के समरकंद की तरफ जाता है, फिर वहां भी बहुत कुछ होता है, तो उतना कहानी नहीं आते हैं, सीधे पॉइंट पाते हैं जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। अब देखिए बाबर जो है फिर उसका बैटल होता है सरेपुल जो है अफगानिस्तान में, वहां पे इसका बैटल एक होता है, सरेपुल में एक बैटल होता है बाबर के साथ और सही बानी खान के साथ, जिसमें सही बानी खान इसको हराता है, और सही बानी खान इसी में तुलगमा टेक्निक अपनाता है, जिसमें क्या होता है तुलगमा टेक्निक, इसमें क्या होता है कि आर्मी को किस तरह से अरेंज करना है, ठीक है, फौज को किस तरह से अरेंज करना है, वही वही होता है, उज्बेक रूलर होता है सही बानी खान। ठीक है, तो
एक्चुअली यही उज्बेक से ही सीखता है बाद में, ये अपनाएगा पानीपत में, कौन बाबर। तो एक्चुअली यहाँ पे सरेपुल के युद्ध में इसका क्या होता है, डिफीट हो जाता है, ये हार जाता है बाबर, ठीक है, बैटल ये हारता है। उसके बाद 3 साल तक अफगानिस्तान के पहाड़ों में, उसके खुरासान के प्लेन्स में बस ऐसे ही थोड़े भागता है, इधर उधर मतलब अटेम्प्ट करना चाहता है बार बार लड़ने के लिए काबुल कंदार को, बट वो जीत नहीं पाता है। फिर फाइनली 1504 AD में क्या करता है, फिर बाबर जीतता है किस चीज को, काबुल और कंधार को, वो अटैक करता है, लड़ता है और काबुल और कंधार को जीतता है। और काबुल कंधार को 1504 AD में जीतने के बाद काबुल को ही क्या करता है, अपना कैप्टन बनाता है वो। तो अब अभी ये क्या कैप्टन, मुगल डायनेस्टी का कैप्टन है काबुल क्या? नहीं, अभी मुगल का फाउंडर है, मुगल अभी फाउंड ही नहीं हुआ है, मुगल एम्पायर अभी फाउंड नहीं हुआ, मुगल एम्पायर पानीपत के बाद फाउंड होता है, अभी इसका बस कहानी चल रहा है जो कनेक्ट कर रहा है आपको। अब देखिए काबुल को एक्चुअली कैप्टन बनाता है, तो काबुल कंधार को जीतने के बाद, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, उसके बाद ये क्या करता है, पादशाह का टाइटल लेता है, ठीक है, पादशाह या बादशाह, और इनको पहले से एंसेस्टर जो टाइटल दिए थे मिर्जा, उस टाइटल को एब्यूज करता है और अपना टाइटल पादशाह बादशाह रखता है, ठीक है, पादशाह बादशाह का 1507 के आसपास में ये लेता है टाइटल। खैर उतना डेट आपको याद नहीं रखना। तो काबुल और कंधार के युद्ध के बाद, ये काबुल कंधार जीतने के बाद ये कौन सा टाइटल लेता है, ये मालूम आपको होना चाहिए, पादशाह और बादशाह का टाइटल लेता है, ठीक है। अब क्या होता है कि फिर पहला अटैक जो होता है इंडिया में 1519 AD में, ये इंडिया में पहला अटैक पानीपत है क्या, बाबर का पहला अटैक इंडिया में पानीपत नहीं होता, पहला अटैक जो इंडिया में बाबर करता है 1519 AD में, वो एक्चुअली बजौर में करता है, बजौर क्या है, पाकिस्तान में, एक्चुअली पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है, आप जानते होंगे, तो खैबर पख्तूनख्वा नाम सुनोगे तो उसी वहीं पे है, तो ये बजौर जो है वहां पे इसका पहला अटैक होता है, और बजौर को अटैक करके भेरा फोर्ट, या इसको हम लोग बोलते हैं भेरागढ़ फोर्ट, तो वो उसको वो जीतता है, ठीक है। फिर उसी तरह से पेशावर में, पेशावर को जीतता है, सियालकोट पे अटैक, उसी समय पेशावर पे भी अटैक करता है, फिर सियालकोट को भी जीतता है, पेशावर में भी और कहानी है इसके अंदर, लेकिन उतना कहानी हम लोग डीप नहीं जाते हैं, टू द पॉइंट रहते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। सियालकोट को भी जीतता है, फिर लाहौर जीतता है, पंजाब जीतता है, ठीक है। एक्चुअली तो ये जो है क्या क्या जीतता है, तो एक्चुअली ये काबुल को जीतता है, पंजाब को जीतता है, आपको देख रहे हैं काबुल जीता, पंजाब जीता, यूपी को भी जीतता है, एक्चुअली ये राजस्थान नहीं जीत पाता है, ठीक है। अगर ऐसा सवाल आता है किसको नहीं मिला पाता है, तो राजस्थान को ये नहीं मिला पाता है, राजस्थान में वो राजस्थान को नहीं जीतता, ठीक है, वहां पे अलग रहता है वो, ये इसका रूलिंग नहीं रहता, तो पूरी कहानी पे नहीं जाते हैं, बस सिंपल आप याद रखिए कि राजस्थान को ये ऐड नहीं कर पाता है, ठीक है। अब देखिए पहला बैटल जो है ये 20 अप्रैल 1526 AD में, पानीपत का जो बैटल होता है वो कब होता है, 20 अप्रैल 1526 AD, यानी ये डेट आपको याद रखना, 1526 AD में पानीपत का बैटल होता है, ठीक है। तब ये जब बाबर इसमें लड़ता है तो इब्राहिम लोदी को मार देता है, इब्राहिम लोदी की आपको बताया था, लोदी डायनेस्टी में जब दिल्ली सल्तनत प्रहार रहते तो उसमें आपको याद आ रहा होगा, हमने बताया था आपको इब्राहिम लोदी किस तरह से मारता है, तो देखिए आप कनेक्ट हो रहा है बाबर के बारे में सारा कहानी, तो वही है, तो कौन है जो दिल्ली सल्तनत में ऐसा रूलर जो युद्ध करते हुए मारा गया था, ड्यूरिंग वार मरा था, वो किल हुआ था, तो यही इब्राहिम लोदी है, तो यही पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी मरता है। अब इसको कैसे होता है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपका दिलावर खान होता है, ठीक है, दौलत खान होता है ये, और दौलत खान का एक बेटा होता है दिलावर खान, ठीक है, और दौलत खान और एक है आलम खान, तो अब इब्राहिम लोदी का ये दोनों चचा होता है, ठीक है, दौलत खान और आलम खान कौन है, चचा है इब्राहिम लोदी का, तो इनके बीच में इब्राहिम लोदी से बनता नहीं था, ठीक है, तनमन रहता था, बनता नहीं था, तो ये इब्राहिम लोदी एक्चुअली बुलाता है दौलत खान को अपने कैपिटल में विजिट करने के लिए बुलाता है, लेकिन दौलत खान जाता नहीं है, दिलावर खान को भेज देता है, तो इस बहुत सारा इसमें तनमन होता है, जिसके वजह से क्या करता है ये दौलत खान और आलम खान दोनों षड्यंत्र रचा के इसी ने दिलावर खान के थ्रू क्या करता है इन्विटेशन भिजवाता है बाबर को कि आप अटैक करिए, और आलम खान को गद्दी भी बैठाइए, इब्राहिम लोदी को हटाइए, और राणा सांगा भी इसमें साथ, राणा सांगा भी इस तरह से बाबर को क्या करता है, ऑलरेडी राणा सांगा का इन्विटेशन आ रखा था बाबर को, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये इन लोग क्या करता है, एक सिनेरियो क्रिएट करवाता है बाबर के थ्रू अटैक करवाने का, तो ये क्या हो गया, बाबर को एक मिल गया मौका कि हाँ ये सही टाइम है, क्योंकि हमारे सपोर्टिव बहुत ज्यादा लोग हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि बाबर यहाँ अटैक करता है पानीपत में, ठीक है, और इब्राहिम लोदी को हराता है 1526 में, देख लिया 1526 से पानीपत का युद्ध हुआ, कौन किसके बीच में पानीपत का युद्ध हुआ, तो इब्राहिम लोदी और बाबर, सीधे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, एकदम आपको एकदम फिट तो होना चाहिए सारी चीजें, पानीपत 1526 किल्ड हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या करता है, इसने ये जो तुलगमा टेक्निक था ये खुद उज्बेक से सीखा है, और यही टेक्निक इसने भी अपनाता है और आर्मी को अरेंज करता है, आर्मी तुलगमा टेक्निक एक्चुअली होता है क्या है ना, कि एक तरफ खाई होता है, एक तरफ नदी, और बीच में अपना फौज को अरेंज कर देता है, यही होता है। तो एक्चुअली उस्मानी और उस्मानी आर्ट, तो ये फौज को कर दिए। अब हम जो आपका उस्मानी आर्ट होता है उसमें क्या होता है कि कैनन वगैरह, आर्टिलरी वगैरह, जिसको तोप बोलते हैं, तोप का अरेंजमेंट, ठीक है, तो को किस तरह से हमें अरेंज करना है, तो वो अरेंजमेंट उस्मानी आर्ट के थ्रू वो किया था, ठीक है, इसमें वो दोनों अपनाया, ठीक है, तो गुलमा टेक्निक और ये उस्मानी आर्ट के थ्रू इसने तोप को अरेंज किया, तो जिसमें आर्टिलरी या कैनन, ये जो देखिए
क्या क्या सबसे पहले इंट्रोड्यूस यही किया था क्या बाबर किया था गन पाउडर नहीं गन पाउडर को कैनन में या गन में डाल के इस्तेमाल ये किया था लेकिन सबसे पहले जो गन पाउडर आया इंट्रोड्यूस हुआ आपका इंडिया सब कॉन्टिनेंट में वो आपका चाइना के थ्रू हुआ ठीक है खैर उतना नहीं जाते हैं बस सिंपल रखते हैं तो ये यहाँ पे ये किया ठीक है आर्टिलरी जो है आपका ठीक है ना आर्टिलरी तो ये इसका जो हेड रखा था जो तोपची का जो हेड रखा था वो उस्ताद अली कुली का रखा था तो मेन आप ये की पॉइंट याद रखिये अली का और जो गनर जो था ठीक है बंदूक वाला का जो था उसका मुस्तफा खान था यानी मुस्तफा याद रखिए तो ये इस तरह से ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट को आप इंक्लूड कीजिए उसके बाद क्या होता है उसके बाद इसने काबुल जो है काबुल ये बैटल जीतने के बाद ये खुद वापस लौटता है काबुल की तरफ और क्योंकि इसका मेन काबुल जीता है तो ये काबुल की तरफ लौटता है और काबुल में क्या चलाता है सिल्वर का कॉइन चलाता है जो कि शाहरुख कॉइन बोलते हैं जब जो काबुल में चलाया गया सिल्वर का कॉइन है उसको शाहरुख कॉइन बोलते हैं और कंधार में जो चलाया गया सिल्वर का कॉइन है उसको बाबरी कॉइन बोलते हैं और यहीं पे ये चलाने के बाद बहुत ज्यादा सारा है एक्चुअली ये चलाने के बाद ये क्या करता है कलंदर का टेक्निक कलंदर का टाइटल लेता है ठीक है तो कलंदर का टाइटल ये कब इस्तेमाल करता है तो कलंदर का टाइटल यहाँ काबुल के वासी लोग देते हैं इनको कलंदर का टाइटल तो ये काबुल जाने के बाद इसके बाद पानीपत के युद्ध के बाद ये क्या करता है कलंदर का टाइटल लेता है वहां पे सिक्का बांटने के बाद अब देखिए ये एक्चुअली आपका पूरा ये कंप्लीट होता है उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये जीतने के बाद क्या करता है कि मुगल एम्पायर को फाउंडेड करता है इंडिया में कौन 27 अप्रैल 1526 में ही बाबर करता है और कैपिटल आगरा रखता है तो ये आपको याद रखना है कैपिटल कहाँ रखता है आगरा रखता है उसके बाद ये बैटल जो होता है फिर 1527 में चूंकि ये जो बैटल हुआ था ना इब्राहिम लोदी का बैटल हुआ तो अब देखिए अब 1527 AD में ये खानवा का बैटल होता है क्योंकि राणा सांगा जो है इसको जब यहाँ पे राणा सांगा इनविटेशन देता है तो बोलता है कि आप आइए हम आपको साथ देंगे लड़ने में बस साथ नहीं देता जिसकी वजह से इसको इससे भी ये युद्ध करता है खानवा राजस्थान में है तो वहां राणा सांगा से युद्ध करता है राणा सांगा कहां का रूलर है कहां का शासक था मुइबार का था तो ये और इसी युद्ध में उसने जिहाद का नारा देता है कि जिहाद है इस जिहाद के थ्रू इसने अभी यहाँ इब्राहिम लोदी जैसे है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा इन लोगों का पास आर्मी था लगभग 1.25 लाख के आसपास था लेकिन इसके पास मात्र 12,000 था उतना कहानी आपको नहीं मतलब यहाँ टू द पॉइंट रहता है तो बैटल 1527 AD में खानवा का होता है राणा सांगा यहाँ पे जिहाद का नारा देता है और गाजी टाइटल देता है इसको हराता है राणा सांगा को भी यहाँ पे क्या कर देता है हरा देता है और इसी के बाद क्या होता है कि मीर बाकी जो होता है इसी का आर्मी चीफ होता है बाबर का जो क्या करता है बाबरी मस्जिद बनवाता है मॉस्क्यू बनवाता है तो क्या मस्क्यू बाबरी मस्जिद जो है क्या बाबर बनवाता है नहीं मीर बाकी बनवाता है ठीक है तो ये अब इसके बाद क्या होता है कि इसी के बाद ये हुआ खेल आपका उसके बाद बैटल फिर होता है 1528 AD में जो चंदेरी का बैटल होता है तो ये आपका सीक्वेंस याद रखना है ठीक है पहले आपका पानीपत का होता है उसके बाद 1526 में फिर आपका खानवा का होता है 27 में फिर 28 में चंदेरी होता है और 29 में घाघरा तो ये ईयर के साथ आपको याद होना चाहिए ठीक तो खानवा होता है राजस्थान इतना हो गया अब देखिए 1528 में चंदेरी का जो युद्ध होता है चंदेरी कहाँ आपका मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड वाला एरिया जो है उधर ही है तो एक्चुअली अब देखिए मालवा बुंदेलखंड का जो रीजन है तो अभी यहाँ पे देखिए अब कि जो शेरशाह सूरी जो बाद में क्या होता है हुमायूं को हराने के बाद ये सूर डायनेस्टी शेरशाह सूरी से नाम से जाना जाएगा तो ये जो शेरखाना है जो शेरशाह सूरी है तो एक्चुअली ये क्या करता है इस बैटल में बाबर की तरफ से लड़ता है शेरशाह सूरी चंदेरी बैटल में ठीक है तो बैटल 1528 में चंदेरी का बैटल होता है ठीक है एमपी में चंदेरी मेदनी राय जो होता है मेदनी राय ठीक है और ये महमूद लोदी ये दोनों साथ देता है राणा सांगा को ठीक है जब ये खानवा का बैटल होता है इस वजह से इन लोग से भी फाइट करता है ये और मेदनी राय जो होता है मालवा का रूलर होता है तो इसको भी हराता है और इसको भी किल्ड कर देता है इसको भी मार देता है ठीक है उसके बाद लास्ट बैटल जो होता है 1529 AD में ये लास्ट बैटल था बाबर का जो कि घाघरा का बैटल होता है जो कि महमूद लोदी के खिलाफ ही लड़ता है महमूद लोदी के खिलाफ लड़ता है और महमूद लोदी को भी हराता है और यही एक बैटल है मात्र मिडावल इंडिया में जो आपका लैंड पे और वाटर दोनों पे हुआ है जल और थल दोनों पे हुआ है ठीक है इसमें यह भी बोला जाता है कि ये क्या हो जाता है कि इंजर्ड हो जाता है जिसके वजह से ये 1530 के आसपास मर जाता है तो मरता है जब है तो इसका टॉम कहाँ है आरामबाग में ठीक है आरामबाग चारबाग शैली के पे ही बना हुआ है ये आरामबाग ठीक है बाग का ही बड़ा शौकीन था तो ये टॉम जो है आरामबाग में इसका ठीक है इसका कहाँ मकबरा है आरामबाग में है जो कि आरामबाग कहाँ आगरा में है उसके बाद इसका दिली ख्वाहिश होती है कि इसको काबुल में दफनाया जाए तो बाद में इसको काबुल में उस समय सिचुएशन ऐसा नहीं रहता है कि इसको दफनाया जाए वहां तो ये उसको बाद में काबुल में दफनाया जाता है अकबर के शासनकाल में अकबर बनवाता है उसके बाद वो उसको काबुल ले जाकर दफनाया जाता है ठीक है अब ये भी बताया जाता है कि गुलबदन बेगम जो है वो हुमायूं का क्या है बायोग्राफी लिखी है जो कि इसकी बेटी है बाबर की बेटी कौन है गुलबदन बेगम हुमायूं भी इसका बेटा है और गुलबदन बेगम और हुमायूं क्या हो गया भाई बहन हो गए तो गुलबदन बेगम लिखती है हुमायूं का जब बायोग्राफी तो उसमें वो मेंशन करती है कि एक्चुअली जब ये लोदी को यहाँ पे आप बताए थे इब्राहिम लोदी तो इब्राहिम लोदी की जो माँ होती है उसको अपने माँ की तरह मानता है इसको माँ तो देता है भले लेकिन इसको माँ को अपने माँ की तरह मानता था तो वही जो है इब्राहिम लोदी की जो माँ होती है ना वो जहर वगैरह मिलाकर उसको खिला देती है जिसकी वजह से मर जाता है ऐसा जिक्र करती
करती है गुलबदन बेगम अपने हुमायूं का बायोग्राफी में। ठीक है, तो खैर जो भी हो, तो मसला जो है आपका ये होना चाहिए कि टॉम कहाँ है, आरामबाग, बाद में काबुल कौन किया, अकबर के शासनकाल में किया गया। तो ये सारी चीज आपको याद होना चाहिए, ये बहुत बेसिक बेसिक चीज है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद बाबर अपना एक ऑटोबायोग्राफी लिखता है, ऑटोबायोग्राफी समझते होंगे आप, खुद से जो खुद की जीवनी जो लिखता है उसको बोलते हैं। तो ये तुझके बाबरी लिखता है, जो कि तुर्किश लैंग्वेज में, कौन से लैंग्वेज में, तुझके बाबरी जो लिखता है वो तुर्किश लैंग्वेज में। बाद में अब्दुल रहीम खाने खाना जो है वो क्या करता है, इसको पर्सियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। किसके पीरियड में, अकबर के पीरियड में। ठीक है, अकबर के नवरत्न में से एक ये भी था। तो अब्दुल रहीम खाने खाना इसको क्या करता है, पर्सियन लैंग्वेज में करता है। ये इसी तुझे को बाबरी को क्या नाम करके देता है, बाबरनामा नाम से ये करता है। ठीक है, तो ये अब्दुल रहीम खाने खाना पर्सियन में इसको ट्रांसलेट करता है और उसी तुझे के बाबरी को बाबरनामा बोलते हैं। और तुझे के बाबरी को क्या है, ऑटोबायोग्राफी किसका है, बाबर का है, जो कि तुर्किश लैंग्वेज में है। और इंग्लिश में जो ट्रांसलेट करता है मैडम बिब्रेज करता है, ये बाद में करता है मैडम बिब्रेज। इंग्लिश का अगला वर्जन जो है ये मैडम बिब्रेज, इससे पहले भी आपका लैंडस्केप और इरिस्किन करके है वो करता है। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, बहुत से बुक में आपको यही मिलेगा मैडम बिब्रेज। तो ये और फिर कहीं आपको लैंडस्केप और इरिस्किन मिल जाए तो वो भी आप याद मतलब मार सकते हैं, वो भी सही है। सबसे पहले वही इंग्लिश में उसी वर्जन में हुआ था, उसके बाद में फिर इस वर्जन में आया, फिर इसने भी किया अपना वर्जन दिया। अब देखिए, ये बहुत ज्यादा शौकीन था किस चीज का, ढोल और नगाड़े का, ड्रम का ही बहुत शौकीन था। ठीक है, बागों का शौकीन था, और भी आप देखे थे दिल्ली सल्तनत में लोग बाग का शौकीन थे। इसने अपने तुझके बाबरी में क्या इंडिकेट किया था, 5 मुस्लिम रूलर के बारे में बताया था, 2 हिंदू रूलर के बारे में, जिसमें से सबसे ताकतवर कृष्णदेवराय, जो कि विजयनगर एम्पायर का ही एक रूलर हुआ करता, ये भी था विजयनगर एम्पायर में एक रूलर, ये भी है कृष्णदेवराय, उसको सबसे शक्तिशाली रूलर बताया है। और आपका दूसरा जो हिंदू रूलर में आपको है यही, इसके बारे में राणा सांगा मेवाड़ के जो रूलर है उसके बारे में इसने बताया। ठीक है, और 5 मुस्लिम के बारे में आपका जो दिल्ली हो गया, ठीक है, दिल्ली जो कि इब्राहिम लोदी आप देख रहे हैं, दिल्ली के बारे में किया है। फिर आपका ये बिहार हो, ये बंगाल हो गया, ये बहमनी हो गया, गुजरात हो गया और मालवा, ये सब के भी रूलर के बारे में इसने अपना जिक्र किया। ठीक है, तो अब ये क्या करता है कि जब ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है ना, तो उसके बाद और इसके पहले बैटल 1527 में जो खानवा का बैटल होता है उसके पहले क्या करता है, ये तमगा टैक्स जो होता है उसको खत्म कर देता है। तमगा टैक्स एक्चुअली क्या होता है ना कि आप मुगल के टेरिटोरी में अगर आप इंटर कर रहे हैं तो एक टैक्स आपको देना पड़ता है, तो वो टैक्स को एब्ल्यूज करता है, हटा देता है। उसके बाद ये जो मुगल, ये पूरा मुगल जो डायनेस्टी है, तो ये पूरा मुगल इसका लैंग्वेज क्या है, पर्सियन है। जैसे दिल्ली सल्तनत का लैंग्वेज क्या था पूरा, तो आप देखे थे पर्सियन था, यहाँ भी इसका मुगल का लैंग्वेज क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज कोर्ट लैंग्वेज क्या है, पर्सियन ही है। ठीक है, अब देखिए इसलिए देख रहे हैं ना, यहाँ पे तुर्किश में करता है लेकिन बाद में इसको क्या पर्सियन में कन्वर्ट कर रहा है अकबर। ठीक है, तो चीजों को आप रिलेट भी कर सकते हैं। अब ये वर्ष देता है दीवान जो है तुर्किश में ये लिखता है, कौन, बाबर ही। और मुबैन करके एक लेखन शैली है, मुबैन वो नया आपका न्यू स्टाइल ऑफ वर्ड्स बोलते हैं, तो वो भी कौन है, बाबर का ही है। ठीक है, दीवान भी ये बाबर का है। रिसाले उसाज जो है खते बाबरी बोलते हैं, ये भी किसने किया, बाबर का ही है। तो ये सारा खिला किसका, बाबर का ही है। ठीक है, तो ये छोटा सा पॉइंट आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। और दिस इज ऑल अबाउट मुगल डायनेस्टी में बाबर का, होप आपको समझ में आया होगा।